अपवाद है, ठीक है, लेकिन आप किसी के जमीन पर कब्जा जमाने के लिए नहीं वार्ड मेंबर बने हुए हैं। कह रहे थे बिजली मीटर लगवाया है वार्ड मेंबर, उसको कहे हैं कि भाई मीटर लग गया, अच्छी बात है, लेकिन अब हमको चिट्ठी आवा है, आप बता दीजिए कि आपको चिट्ठी आया है वार्ड मेंबर को चलाने के लिए। चलाना किसको है से इसका चिट्ठी होगा ना सरकार की तरफ से, वही चिट्ठी आवा हमको दे दीजिए ना भाई। चिट्ठी आवा है, सरपंच भी थे वही जगह, तो बीडीओ साहब के बुला के तू ही नु ले आल से पढ़ लो, बीडीओ साहब कथी लिख के दलथुन। हाँ हाँ ठीक तो है, हाँ वीडियो साहब के लिखल का दिखा दीजिए। तो हाँ पढ़ा है तो इस तरह से कैसे होगा, बोला कर हाँ क्षेत्र में नहीं है तो आय कहला। हाँ हाँ हम कहते ये बात हो के जवाब नु हमरा चाहिए तोरा से, अब जाके मुखिया जी के कह हाँ कि अथी मुखिया जी के ना बीडीओ साहब के कह कि भूमिदाता अब कह रहा है कि 10 दिन का, हम उसको स्पष्ट बोल दिया कि 10 दिन का मोहलत दे रहे हैं आपको, हाँ 10 दिन में अगर आप अपना सत्यापन नहीं जारी किए तो हाँ बस इस जगह आप नहीं आइएगा, बेटर रहेगा। हाँ हाँ अपवाद है, ठीक है, हाँ लेकिन आप किसी के जमीन पर कब्जा जमाने के लिए नहीं वार्ड मेंबर बने हुए हैं। हम बोले परसों गए हुए थे तो बीडीओ साहब हमको कहाँ कुछ बोले, हम हाँ कहली आप पूछे बीडीओ साहब से, हाँ हम तो आपको यही बात ना बोले हैं कि जा करके बीडीओ साहब को कहिए कि भूमिदाता कह रहा है कि 10 दिन के बाद हम नहीं चलाने देंगे आपको, हम चलाएंगे, बंद रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं चलाने देंगे। वो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, उसका बेजाब्ता चिट्ठी है मेरे पास, वो भी चिट्ठी हम आपको बताएंगे, तो फिर आपका कौन राइट कौन तरीका से जा रहे हैं वहां पर, वो दरवाजा मेरा है, हमारे दरवाजे पर आप सुबह शाम आप कहे जाके बिना मतलब के चलाइएगा बैठिएगा, चिट्ठी हमको दीजिए, चलाइए बेशक चलाइए, स्वागत है आपका। हाँ तो बोलू हम बीडीओ साहब को कहला जाए कहने, बोली तो हम ना जाएंगे तो ये जगह ऐबो ना कीजिएगा, ये जगह आपका कोई राइट नहीं बन रहा है। हाँ भाई, आप वार्ड बने हैं, कब वार्ड वार्ड का काम है कार्य योजना अपने वार्ड में लिखना, तब पब्लिक के समस्या को देखना और तब पब्लिक के जो समस्या है उस समस्या को लेकर ब्लॉक में जाना, तब तो और यह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति जो है उसका काम है कि आप हरेक महीना मीटिंग कीजिए ना, तब और मीटिंग में क्या कीजिए कि अपना कार्य योजना लिखिए और हाँ कार्य लोगों को काम लेकर के आप ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक से आकर के लोगों को काम कराइए, तब यह एक वार्ड के और एक नेता के काम है, वही ना। कोई नेता के यह काम नहीं है कि जाकर नौकरी करना। आज तक तो कोई ऐसा नेता है जो जिसको सरकार ने नौकरी कराया हो, तो वही वार्ड ना। जो होता है अपने वार्ड क्षेत्र का नेता होता है, तो वह तो नेता है, नौकर तो है नहीं। तो वही कह रहा है कभी हमको। जब वार्ड जब नौकर नहीं है तो फिर वार्ड नल जल चलाने क्यों जाएगा? तब अगर नीतीश कुमार जी ने अगर वार्ड को पानी चलाने के लिए कहे हैं तो वो तो मौखिक नहीं ना कहते हैं, तो सरकार है, ना। हाँ वो तो लिखित कहेंगे, मौखिक तो कहने का सवाल ही नहीं है। तब अमौखिक अगर कहे हैं तो कहाँ कहे हैं, कहाँ आकर कहे हैं? तो सरकार का सिस्टम है कि कोई भी ऐसा योजना निकलता है चाहे या कुछ लिखित भी होता है कहना होता है तो वह लिखित में कहते हैं। तो तो अगर नए वार्ड सदस्य को पानी चलाने के लिए नीतीश कुमार जी अगर कहे हैं तो उनका एक लेटर निकला होगा, चिट्ठी निकला होगा, तो उसका हर एक प्रखंड का अधिकार है कि वो अपने प्रखंड से एक लेटर जारी करे और हर एक वार्ड में भेज दे कि पानी किसको चलाना है। तो अब तो जिसको ऑर्डर जाएगा वही ना पानी चलाएगा, तो आ कि वार्ड में जीत जाने से पानी चलाने लगेगा? वार्ड में जीत गए तो प्रधानमंत्री हो गए। वार्ड में आप जीते हैं तो वार्ड है, आप वार्ड में जीते हैं वार्ड के लिए ना जीते हैं, तब पानी चलाने के लिए तो नहीं जीते हैं। वही ना। पानी किससे चलवाना है, सरकार किससे पानी चलाएगा, इसके लिए अनुरक्षक का बहाल 2021 में हुआ है, 21 में 2021 में चिट्ठी निकला है कि नल जल को चलाने के लिए एक अनुरक्षक की बहाली किया जाए, तब तो हर जगह एक अनुरक्षक की बहाली हुआ है और उस तब अनुरक्षक का काम है पानी चलाना, तब वार्ड में जीत गए तो आप नल जल चलाने और चल उसके दीजिएगा। बाद में जो पानी जो जिसका बहाल हुआ है
उस आदमी का कंप्यूटर पर नाम चढ़ा है और कंप्यूटर पर नाम चढ़ा है तो यह अपने अपने मोबाइल में सभी लोग देख सकते हैं। तो वार्ड प्रोफाइल खोलने पर जो है हर एक अनुरक्षक का नाम आ जाता है। देखिए ये जो था ना, सुनिए ना, बुर्बक है जो वार्ड बुर्बक है वो नेट खोल के क्यों नहीं देखता है ये पानी किसको चलाना है कि मोतीपुर प्रखंड में बोराज पड़ता है। बोराज तो मोतीपुर प्रखंड में है। तो वहाँ पीएचडी के द्वारा नल जल बना है और वहाँ भी तो वार्ड है। तो वहाँ का वार्ड क्यों नहीं नल जल को चला रहा है? तब वहाँ है तो मोतीपुर प्रखंड का, तो बोराज में जितने भी जमीन में नल जल लगा हुआ है उस सभी जमीन वाले ही नल जल को चला रहे हैं। और उसके बाद उस जमीन वाले को पेमेंट भी मिल रहा है। तो इसी पर खन में दोहरी नीति चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो जहाँ पंचायती राज से बना है नल जल वहाँ आज तक एक पैसा पेमेंट नहीं किया गया, जमीन वाले से जमीन ले लिया गया और झगड़ा लगा दिया गया कि अनुरक्षक चलाएगा तो नायका वार्ड चलाएगा तो कौन कौन चलाएगा। और इसी पर खन में जो बोराज में नल जल है ये तो बिहार सरकार का नल जल है, दूसरे का तो है नहीं। तो बिहार ये भी बिहार सरकार का, वो भी बिहार सरकार का। तो फिर बोराज में पेमेंट कैसे हो रहा है और जमीन वाला ही कैसे चला रहा है? तब अगर वहाँ जमीन वाला चला रहा है तो बीडीओ साहब जाकर वहाँ क्यों नहीं FIR कर रहे हैं, क्यों नहीं केस कर रहे हैं बोराज में? वहाँ भी तो जाना चाहिए, मोतीपुर प्रखंड में पड़ता है। और बाद बाकी जगह पर जो है झगड़ा लगा दे रहे हैं ना। वो कहाँ जाके झगड़ा लगाते हैं जहाँ पानी चल रहा है? हाँ। जहाँ पानी नहीं चल रहा है वहाँ कहाँ जाते हैं? वहाँ तो झगड़े तो नहीं करते हैं। अब वही बात बोले हैं ना वार्ड को, तो वार्ड कह रहा कि हो अच्छा शशि बाबू जाए द हम यो समाज में रहम से मिला जुला के काम, मिला जुला वाला काम न 24,000 रुपया चाहिए हमारा पैसावा दो पैसावा। पैसावा जो आयल हवा तो पैसा भी कहाँ आया है? तो सड़क बन रहा था ना वही में ले बराबर से कहते ना ना हमने खेल मिल रही है सबके, हो फलावा के मिल रही नु तो हाँ फलावा के मिल रही नु तो हाँ हम बोली देखा ये सबूत यही थी हथुन मुँह पर कह रहा था वार्ड के मुँह में पर। तो आपके यहाँ 24,000 मिल गया का? ना हमारे जगह ना नो लेबर था उस शायद बोराज सब का साइड का था। हाँ बोराज में तो मिला है, बोराज में तो मिला तो मिलता है। वही वही जगह कह दिया है सरपंचो थे यही जगह। हाँ बताइए ना मोतिहारी जिला में अनुरक्षक के पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? सब जगह हो रहा है, यहाँ भी लेंगे छोड़ेंगे दम छोड़े। मोतिहारी जिला, गोपालगंज जिला, सिवान जिला में सब जगह चिट्ठी निकला है कि दो दिनों के अंदर अनुरक्षक को पेमेंट किया जाए नहीं तो आप पर FIR किया जाएगा। ये लोग गबन करेंगे फेरा में है कि वार्ड को बना देंगे 2000 पैसा हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, 2021 का रुपया है और ये लोग 2022 में वार्ड बने हैं तो ये लोग को पैसा कैसे मिल जाएगा? कमाल लंगोटी वाला खाए धोती वाला अब 3-4 साल से जो पानी चलाया है उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए और आज नया नया वार्ड बन गया तो उसको पैसा मिलेगा? 24,000 रुपया नया वार्ड सदस्य गमन करता है अगर अनुरक्षक को नहीं देता है पैसा तो एकदम हाईकोर्ट दम देखा हुआ है पहुँचा देना है। वो तो ही जाके अधिकार या चाहे वार्ड सदस्य जवाब देंगे कि आप किस आधार पर पैसा रखे हैं। सरकारी रुपया का गमन का FIR होगा। 24,000 रुपया अगर गमन करेगा तो 24,000 असूलने के लिए 24,000 खर्चा भी हो जाएगा तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चाहे 24,000 लेने के लिए 24,000 खर्चा काहे ना हो जाए, वो तो देगा ही देगा। पहले ही कह दिया जाएगा कि देबा कि चलबा बोला, न देगा तो एकदम हाईकोर्ट पहुँचाइए देना है। तब अगर नया वार्ड सदस्य को पानी चलाने का चिट्ठी निकला है तो वो चिट्ठी दिखाएंगे, जाकर चिट्ठी चिट्ठी मांग के ले आवे। बिना चिट्ठी के कैसे पानी की लाठी के बदलो तो अगर पानी चलाइएगा, पत्थर फेंक के पानी चलाइएगा तो उसका उसका तो भुगतना पड़ेगा। सरकारी चीज आप लाठी से ना कब्जा कर सकते हैं, सरकारी चीज है तो कागज से कब्जा कीजिए, कागज से कब्जा कीजिए। आप जाइए, हम कह दिए हैं 10 दिन का, हम गिन के कह दिए कि 10 दिन का मोहलत दे रहे हैं। अगर 10 दिन में नहीं हमको
कागज देते हैं तो उस पर जाइएगा मत। ना ना, 5 साल के लिए वार्ड बन गया तो बुझा रहा है कि नल जल वार्ड का हो गया। हाँ, 5 साल के बाद हाँ आएंगे ना, दूरा पर कहीं बैठा ना देंगे। 5 साल में 1 साल निकलिए गया, ही सही है। हाँ, 1 साल आचार्य संहिता में, एक साल आचार्य संहिता में ना। लेकिन हमको तो जानकारी चाहिए कि भाई हम नल जल चलाना है तो किसको चलाना है, एक लीटर हमको दे दीजिए बस। हो लेटर आवाज मिलेगा तब ना, मतलब कि लड़ाई लड़ने में बनेगा। हाँ, वही लेटर लेके आदमी पहुंचेगा हाई कोर्ट।